हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद हारिस एंड आई एम अ सेकेंड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट इन बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में हमने ये समझा कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूड लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। तो फिर हमने लिवर वॉट्स के बारे में समझा, उसके बाद हमने समझा मॉसेस के बारे में। देखिए उसी तरह यहाँ पे टेडोफाइट्स के अंदर आते हैं हॉर्सटेल एंड फॉन्स। तो इनके अंदर आते हैं हॉर्सटेल एंड फॉन्स। टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉस्टेल एंड फॉन्स। देखिए हम टेरिडोफाइट्स का यूज करते हैं एज अ मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इनका यूज करते हैं और एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स। और ये सॉइल बाइंडर्स हैं, मतलब मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। उसके अलावा हम टेरिडोफाइट्स को ग्रो कराते हैं एज अ ऑर्नामेंटल, मतलब सजावटी रूप के लिए हम इनको ग्रो कराते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। तो तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं हॉस्टल एंड फॉन्स, इनका यूज करते हैं हम लोग मेडिसिनल पर्पस में, उसके अलावा सॉइल बाइंडर्स, और इनको हम ग्रो कराते हैं एज अ ऑर्नामेंटल्स। तो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है इनको ग्रो कराया गया एज अ ऑर्नामेंटल। इनको हम सजावटी रूप के लिए हम ग्रो कराते हैं। देखिए इवोल्यूशनरीली टेरिडोफाइट्स ऐसे लैंड प्लांट थे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, और वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इवोल्यूशनरीली दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू। कह रहे यही पहले ऐसे पहले पहले प्लांट थे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाया गया, और वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 6। जाइलम फ्लोएम आपको याद रखना है। देखिए ग्रो कहाँ करते हैं? ये ग्रो करते हैं कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। जैसा हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था वैसे कंडीशन कुछ इनके लिए भी चाहिए होती है। तो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। दो सम मे फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। कह रहे कि कूल इनको ग्रो करने के लिए कैसा हैबिटाट चाहिए? कूल डैम्प एंड शेडी हैबिटाट। उसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल कंडीशन है, मतलब बालू वाली मिट्टी में भी ये ग्रो करते हैं। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस दो सब में फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशंस। देखिए अगर हम याद करें जो ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेस था वो क्या था? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट्स थे जो उनकी डोमिनेंट फेस होती है वो होती है गैमेटोफाइट, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी जो डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की वो होती है स्पोरोफाइट। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। लेकिन यहाँ पर जो मेन फेज होती है, जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। तो पहली बार आपको डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट मिली। However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte. ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ट्रू रूट ट्रू लीफ ट्रू स्टेम नहीं होती है। तो फिर क्या होता था? रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रू रूट ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती हैं। However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into the true root, stems and leaves. पहली बार हम ऐसा पढ़ रहे हैं। हमने एल्गी पढ़ा, उनका भी स्ट्रक्चर कैसा था? थैलोइड था। फिर हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, उनका भी स्ट्रक्चर कैसा था? उनका भी बॉडी थैलोइड थी, लेकिन एल्गी के कंपेरिजन में मोर डिफ्रेंशिएटेड थे। तो विच इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। These organs possess well differentiated vasculature.
टिश्यू. दीज ऑर्गन का, दीज ऑर्गन्स का मतलब, दीज ऑर्गन्स का मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स. कह रहे इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. वैस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम. इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. किनके अंदर? रूट के अंदर, स्टेम में और पत्तियों में. तो दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू. देखिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है वो चाहे तो छोटी हो सकती हैं चाहे तो बड़ी बड़ी हो सकती हैं. अगर पत्तियां छोटी होंगी तो इनको बोलेंगे हम लोग माइक्रोफिश बोला जाएगा, और पत्तियां अगर बड़ी बड़ी होंगी तो इनको बोलेंगे हम लोग माइक्रोफिश. तो और माइक्रोफिश का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला. सिलेजिनेला आपको याद रखना है. और माइक्रोफिश का एग्जाम्पल है पॉन्स. द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल. माइक्रोफिश एग्जाम्पल है इसका सिलेजिनेला, या फिर लार्ज हो सकती है इसको बोलेंगे हम लोग मैक्रोफिल्स. इसका एग्जाम्पल है पॉन. देखिए ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है सिलेजिनेला का, ये है सिलेजिनेला का, इसको बोलते हैं हम लोग संजीवनी बूटी. और ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है पॉन का. आपको अच्छे से याद रखना है. तो पत्तियां दो टाइप की हो सकती हैं, छोटे छोटे. देखिए यहाँ पर जो आपको लीव्स दिखाई जा रही है ये बड़ी है, और यहाँ पर उसके कंपेरिजन में छोटी होती है. तो ये आपको फिगर जो दिखाया जा रहा है ये है सिलेजिनेला का, और ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है पॉन का. देखिए हम इनकी लिस्ट बना लेते हैं. देखिए जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर पाई जाती हैं स्पोरेंजिया, इस तरह से. और स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल. तो इनके अंदर है स्पोर मदर सेल. देखिए जो लीफ लाइक अपेंडिजेस होते हैं या जो लीव्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग स्पोरोफिल्स. इसको बोलेंगे हम लोग स्पोरो फिल. स्पोरोफिल के अंदर क्या है? स्पोरेंजिया. तो ये हो गया आपका स्पोरेंजिया. और स्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोर मदर सेल. तो ये हो गया स्पोर मदर सेल. अब देखिए स्पोर मदर सेल में क्या होता है, कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पे? यहाँ पे होगा रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग मियोसिस. इसी को बोलेंगे हम लोग मियोसिस. जब स्पोर मदर सेल में रिडक्शन होता है तो इनसे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं. कितने स्पोर बनेंगे? चार. और जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फॉर्मेशन होता है गैमेटोफाइट का. फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफाइट का. और जो गैमेटोफाइट होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग प्रोथैलस. तो यहाँ पे गैमेटोफाइट का नाम है प्रो थैलस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा. स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जो पत्नियां को बोलेंगे हम लोग स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के अंदर है स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल. और जब स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोसिस होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है. और ये जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. और इस गैमेटोफाइट को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रो थैलस. देखिए कुछ जगह पे क्या होता है कि जो स्पोरोफिल्स होती हैं इस तरह से ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं. तो इस तरह से कंपैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कोन्स. इसको बोलेंगे हम लोग कोन्स और स्ट्रोबिलाई. इसको बोलते हैं हम लोग कोन और स्ट्रोबिलाई. और ये पाए जाते हैं सिलेजिनेला एंड इक्वेसेटम में. तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है सिलेजिनेला एंड इक्वेसेटम. देखिए इन सब केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाई और कोन्स. और इसका एग्जांपल याद रखना है आपको सिलेजिनेला एंड इक्वेसेटम. देखिए आप यहाँ पे स्ट्रोबिलाई या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग कोन देख सकते हैं.
और ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है, ये एग्जाम्पल है, ये है इक्वे सिस्टम का, ये है इक्वे सिस्टम, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हॉर्स टेल, इसी को बोलते हैं हम लोग हॉर्स टेल। तो दोबारा समझ लीजिए कि कुछ स्पीसीज के अंदर या फिर सिलेजिनेला एंड इक्वे सिस्टम के अंदर जो स्पोरोफिल होती हैं, ये आपस में अरेंज होकर के कंपैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाई और कॉन्स, एग्जाम्पल सिलेजिनेला एंड इक्वे सिस्टम। देखिए स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल, आपने देख लिया यहाँ पे कि स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है और स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है या फिर मियोसिस होता है जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोथैलस। द स्पोर्स जर्मिनेट, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इन कॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर प्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट को बोलेंगे हम लोग प्रोथैलस। तो आपको सारी लैंग्वेज याद रखनी है इसमें, एक तो सारे वर्ड्स याद रखने, इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर प्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कोल डैम शेडी प्लेस टू ग्रो, कह रहे हैं इन गैमेटोफाइट्स को ग्रो होने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, कूल कंडीशन, डैम कंडीशन एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। देखिए इससे रिक्वायरमेंट की वजह से, कौन सी रिक्वायरमेंट, कूल प्लेस होना चाहिए, डैम पर होना चाहिए, शेडी प्लेस होना चाहिए, और इनके जो स्पोर्ट्स होंगे या फिर जो इनके गैमेट्स होंगे इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की मीडियम होना चाहिए, इसलिए इनका जो ऑकरेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर का सोर्स होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, देखिए इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट की वजह से या रिक्वायरमेंट की वजह से, और दूसरी चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको चाहिए लगातार वाटर का मूवमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से इनके गैमेट्स वाटर के थ्रू एक प्लेस से मतलब आर्चिगोनिया के माउथ तक ये पहुंच जाए। नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्प्रेड ऑफ लिविंग क्लेडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स, मतलब जो इनका फैलाव है ये लिमिटेड है, मतलब कुछ ही प्लेस में पाए जाते हैं एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। अब हम जानते हैं कि जो गैमेटोफाइट्स होंगे उन पर हमेशा हमने ये पढ़ा कि गैमेटोफाइट्स के ऊपर होते हैं सेक्स ऑर्गन, कौन से सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है एंथ्रिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है आर्चिगोनिया। तो वैसे यहाँ पर भी है, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है एंथ्रिडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका नाम है आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स, कह रहे हैं एंथ्रोजोइट्स के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत है, द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रिडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, कह रहे हैं कि मेल गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा जो कि आर्चिगोनिया के माउथ पर पहुंचेगा। और हम जानते हैं कि आर्चिगोनिया में क्या प्रेजेंट होता है, ओवम प्रेजेंट होता है, फिर जाके ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा। अभी हम इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से क्या बनता है एम्ब्रियो बनता है, देख लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, तरह जब मेल गैमेट एंथ्रोजोइट ओवम से फ्यूज करेगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, फिर जायगोट से क्या बनता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। और हम जानते हैं कि जो टेडोफाइट्स होते हैं इनकी डोमिनेंट फेज क्या होती है, इनकी डोमिनेंट फेज होती है स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेडोफाइट्स।
इन मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडोफाइट्स ऑल द स्पोर्ट्स ऑफ सिमिलर काइंड, कह रहे हैं ज्यादातर ट्रेडोफाइट्स में जो स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स बनते हैं, स्पोर्ट्स कब बनेंगे, जब स्पोरोफाइट में या स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो वो सारे स्पोर्ट्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग होमोस्पोरस। तो उन स्पोर्ट्स को बोला जाएगा होमोस्पोरस। इन मेजोरिटी ऑफ द, देखिए मेजोरिटी आपको याद रखना है कि ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में अगर एग्जाम में आपको सम लिख कर दिया जाए तब उसको गलत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है कि जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे स्पोर्ट्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं होमोस्पोरस। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्ट्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। होमो का मतलब सेम, स्पोरस का मतलब स्पोर्ट से लिया गया है, तो सेम टाइप के स्पोर होंगे। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। देखिए अब हम इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस ट्रेडोफाइट्स एग्जांपल क्या होगा इसका, ड्रायोप्टेरिस। देखिए जब भी हम लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, स्पोरोफाइट से। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, इसका मतलब 2M। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ये हो गई डोमिनेंट फेज। स्पोरोफाइट पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट पर स्पोरोफिल प्रेजेंट था, और हमने देखा कि स्पोरोफिल के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया होता है। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल थे। इतनी कहानी तो हमने समझ ली थी कि स्पोरोफाइट पर स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है। और हम जानते हैं कि स्पोर मदर सेल में हमेशा, तो ये कैसा हो जाएगा, एन या 2N, 2N, ये भी 2N होगा। तो स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग मियोसिस। और हम जानते हैं कि जब भी रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो 2N से क्या हो जाएगा, स्पोर्स जो आएंगे इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो इनकॉन्स्पिकुअस जर्मिनेट करके, ये इनकॉन्स्पिकुअस मल्टी सेलुलर प्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और इस गैमेटोफाइट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोथैलस। तो इस गैमेटोफाइट को बोलेंगे हम लोग प्रोथैलस। और हम जानते हैं कि गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्सिगोनिया। और हम जानते हैं कि अगर मेल सेक्स ऑर्गन होंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो गैमेट का नाम क्या है, यहाँ पे एंथ्रेडिया फॉर्मेशन करेगा स्पर्म का, और आर्सिगोनिया फॉर्मेशन करेगा एक का। अब बताइए इनकी प्लॉडी कैसी होती है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो ये हो गया इन इन। फिर क्या होता है, गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, और जब गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बताइए इन और इन आपस में फ्यूज कर गए तो 2N का फॉर्मेशन हो गया, इस कंडीशन को बोलेंगे हम डिप्लॉयड कंडीशन या 2N। देखिए फिर जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो से बन जाएगा स्पोरोफाइट, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो दोबारा से देख लीजिए, जो स्पोरोफाइट थे इन पर है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल के अंदर होता है रिडक्शन डिवीजन, तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेटोफाइट को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोथैलस। और गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन है, कौन से सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्सिगोनिया। और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया फॉर्मेशन करता है स्पर्म का या फिर एंथ्रोजोइट का, आर्सिगोनिया फॉर्मेशन करता है एक का। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इनकी टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो गई ना, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई।
देखिए जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, अगर हम सिलेजिनेला की बात कर लें या फिर साल्विनिया की बात कर लें, तो इनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, मतलब दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इन प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग हेट्रोस्पोरस, या इन स्पोर्ट्स को बोलेंगे हम लोग हेट्रोस्पोरस। देखिए एक स्पोर्ट्स लार्ज होता है और दूसरा छोटा होता है, जो लार्ज स्पोर होता है इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर, और जो स्मॉल स्पोर होता है इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। तो जेनेरा लाइक सिलेजिनेला, देखिए एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद होना चाहिए, यही तो पूछा जाता है आपसे। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स, अब जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर्स, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोस्पोरस, क्योंकि दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेटोफाइट्स, एग्जाम्पल सिलेजिनेला की हम लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। देखिए जो मेन फेज होती है, डोमिनेंट फेज होती है, वो होती है स्पोरोफाइट। तो जब भी हम लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे उनकी डोमिनेंट फेज से, तो इनकी जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट, और हम सिलेजिनेला के अंदर जानते हैं जो स्पोरोफिल होती हैं वो आपस में अरेंज होकर के कंपैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कोन्स, और इन कोन्स के अंदर दोनों टाइप की स्पोरोफिल होंगी, माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर होंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा होगा, और जो मेल होता है, जब भी हम मेल की बात करेंगे तो अक्सर आप प्रिंसियाटिम पढ़ेंगे, मेल के लिए हम हमेशा छोटा टर्म मतलब माइक्रो टर्म इस्तेमाल करते हैं, आप एनसीईआरटी में बार बार पढ़ेंगे ये टर्म, माइक्रो मेगा, माइक्रो स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया, तो माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। देखिए स्पोरोफिल था ना, तो वहां पे क्या था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्पोरोफिल में था स्पोरेंजिया, अब यहाँ पर माइक्रो स्पोरोफिल है तो माइक्रो स्पोरोफिल में होगा माइक्रो स्पोरेंजिया, उसी तरह इधर मेगा स्पोरोफिल तो मेगा स्पोरोफिल में होगा मेगा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो यहां पर हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोरेंजिया में हो जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर मदर सेल आ गई तो इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, ये हो गया 2n और ये भी हो जाएगा 2n, अब इनके अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस यहां पर भी होगा मियोसिस, और क्या कहते हैं इनको, मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर रिडक्स आधा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनके अंदर अगर रिडक्शन डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, अगर मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। देखिए स्पोर है ना, अगर स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये जर्मिनेट करके बना देते हैं गैमेटोफाइट, अगर ये जर्मिनेट किए तो फॉर्मेशन करेंगे ये गैमेटोफाइट का, ये भी माइक्रोस्पोर, अगर ये जर्मिनेट किए तो फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफाइट का, तो माइक्रोस्पोर अगर जनरेट होगा तो फॉर्मेशन करेगा मेल गैमेटोफाइट का, अगर मेगा स्पोर जनरेट किया तो फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमेटोफाइट का। अब तो सारी कहानी आसान है, मेल गैमेटोफाइट पर होगा मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रिडिया, फीमेल गैमेटोफाइट पर होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इस फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमेट का या फिर ओवम का, और एंथ्रेडिया फॉर्मेशन करेगा मेल गैमेट और स्पर्म का। और हम जानते हैं जब गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, और फिर जाइगोट किसमें डिफ्रेंशिएट होता है, या डिफ्रेंशिएट होता है या फिर ये मैच्योर होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट होता है फिर स्पोरोफाइट में, तो इस तरह से इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। देखिए अब लैंग्वेज देख लेते हैं, द मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली, मेगा स्पोर देगा
फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर देगा मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये इस पेरेंट स्पोरोफाइट पर वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन रहता है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स, मतलब लंबे समय तक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, किसमें होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है इन द फीमेल गैमेटोफाइट, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आपको याद रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड एपिट। कह रहे कि जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अलावा फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन रहना पेरेंट स्पोरोफाइट पर, ये शुरुआत कराता है सीड हैबिट की, मतलब सीड हैबिट की शुरुआत होगी कहाँ पर? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। दीज इवेंट, ये भी आपको पूछा गया नीट एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा कि दीज इवेंट इज अ प्रेकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। मतलब अगर आपसे पूछे कि सीड की स्टार्टिंग या सीड हैबिट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो आप क्या आंसर करेंगे, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? दोनों आंसर गलत है। आप स्टार्ट करेंगे हेट्रो, आप आंसर करेंगे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फीमेल जो गैमेटोफाइट है ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है, और जो जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है वो होता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और यही शुरुआत कराता है सीड हैबिट की। तो सबसे पहले सीड हैबिट की शुरुआत हुई कहाँ पर? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। तो इनकी शुरुआत होती है हेट्रोस्पोरस, आप आंसर करेंगे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फर्दर हम टेरिडोफाइट्स को क्लास डिफाइन फर्दर हम टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई करते हैं फोर क्लासेस में। कौन कौन सी? सीलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्पिनोपसीडा एंड टेरोपसीडा। तो दोबारा से याद करिए, सीलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्पिनोपसीडा एंड टेरोपसीडा। सीलोपसीडा की जगह आपको सीलोफाइटा भी लिख के दिया जा सकता है, लाइकोपसीडा की जगह आपको लाइकोफाइटा भी लिख के दिया जा सकता है, स्पिनोपसीडा की जगह ऑर्थोफाइटा भी मिल सकता है, टेरोपसीडा की जगह फिलिकोफाइटा भी लिख के दिया जा सकता है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो सीलोपसीडा का एग्जाम्पल है वो है सिलोटम, आसान है, सीलोपसीडा सिलोटम। जो लाइकोपसीडा का एग्जाम्पल है वो है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। देखिए लाइकोपोडियम तो आसान है, लाइकोपसीडा लाइकोपोडियम, तो आपको सिलेजिनेला याद रखना है इसमें। जो स्पिनोपसीडा है इसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम, एंड टेरोपसीडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सिलोपसीडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोपसीडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोपसीडा का एग्जाम्पल है इक्विसीटम, एंड टेरोपसीडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। चलिए कुछ हम एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन सर्टेन फॉर्म्स, कह रहे हैं कि सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हुई कुछ फॉर्म्स में। हेट्रोस्पोरी इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। अभी हमने पढ़ा कि जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उनके अंदर सीड हैबिट का डेवलपमेंट हुआ है इवोल्यूशनली, सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई सीड हैबिट की। तो हेट्रोस्पोरी इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। जो सिलेजिनेला होता है इसको बोलते हैं हम लोग लिटिल क्लब मॉस, या फिर इसको बोलते हैं स्पाइक मॉस। देखिए अब बताइए सिलेजिनेला मॉस है या नहीं है? ये मॉस नहीं है, क्यों? क्योंकि
क्योंकि मौसम ट्रू मौसम उन्हीं मेंबर्स को बोलेंगे जो कि मॉसेस के अंदर आते हैं, लेकिन सीरेनिया तो एक ट्रेडोफाइट्स है, तो ये ट्रू मॉस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आर नॉट ट्रू मॉस, मॉस तो लिखा गया है लेकिन ये ट्रू मॉस नहीं है। तो सिलेजिनेला को बोलते हैं हम लोग लिटिल क्लब मॉस या फिर स्पाइक मॉस। जो सिलेजिनेला ब्रायोटेरिस है, यही संजीवनी बूटी है जिसको बोलते हैं हम लोग संजीवनी बूटी, वो है सिलेजिनेला ब्रायोटेरिस। बी से ब्रायोटेरिस और बी से बूटी, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। देखिए एज कंपेयर टू गैमेटोफाइटा ब्रायोफाइट्स, कह रहे हैं कि अगर हम ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट में कंपेयर करें, से कंपेयर करें, द गैमेटोफाइटा वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट से मतलब एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर स्मॉलर विद स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया तो याद रखिएगा। एज कंपेयर टू गैमेटोफाइटा ब्रायोफाइट्स, गैमेटोफाइटा वैस्कुलर प्लांट्स आर स्मॉलर विद स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। इन प्रोथैलस, प्रोथैलस का मतलब गैमेटोफाइट, यह है गैमेटो फाइट। इन प्रोथैलस एंथ्रोजोआइट्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। देखिए जो एंथ्रोजोआइट्स और एग्स होते हैं ये अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग प्रोटेंड्री। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विच इट प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कह रहे हैं अगर एंथ्रोजोआइट्स और एग्स दोनों अलग अलग टाइम में अगर मैच्योर होंगे तो इससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर चैप्टर टू में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th में। विच प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कंपेरिजन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा बेहतर होता है। इन प्रोथैलस एंथ्रोजोआइट्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, इसको जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोटेंड्री। विच प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम, फॉर स्पर्म आर स्पर्मेटोजोइट्स आर एंथ्रोजोइट्स आर मल्टी फ्लेजिलेटेड एंड स्पाइरलिपॉइड। यानी जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, ये मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर कई सारे फ्लेजिला पाए जाते हैं, एंड दिस वन इज द स्पाइरलिपॉइड। देखिए साल्विनिया जिसको बोलते हैं हम लोग सॉरो ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, जो कि एक ट्रेडोफाइट है, लेकिन इसके अंदर प्रोथेलस का फॉर्मेशन नहीं होता है या ये प्रोथेलस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये जो आपको फिगर दिखाया गया ये है साल्विनिया, ये साल्विनिया का आपको फिगर दिखाया गया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गया, और जितने भी एक्सेप्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो साल्विनिया इज अ ट्रेडोफाइट बट डू नॉट प्रोड्यूस प्रोथैलस। देखिए यहाँ पे आपका ट्रेडोफाइट्स कंप्लीट हो गया, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड फॉरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।